हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। देखिए, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड का आईपीओ। बहुत दिन से मैंने ये वीडियो बनाया है कि आईपीओ के रिव्यूज़ के बारे में। इस आईपीओ का आज लास्ट डेट था, आज की डेट 9 अप्रैल 2019 है। तो 52 गुना सब्सक्राइब हुआ है, ये 52 टाइम्स हुआ सब्सक्राइब। मैं कहूँगा ज़बरदस्त आईपीओ था, बहुत बढ़िया रिव्यूज़ थे, हर चीज़ बहुत बेहतरीन था। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या आपने किया है अप्लाई इस आईपीओ में? वो तो मिले ना मिले वो तो किस्मत की बात है, लेकिन अभी क्या आपने अप्लाई किया है? अगर आपने अप्लाई किया है, हाँ या ना में ज़रूर जवाब दीजिए, क्योंकि ये बहुत बढ़िया मौका था पैसा छापने का। तो कमेंट सेक्शन के थ्रू अपना जवाब ज़रूर दीजिए। और चलिए बात करते हैं, आज किस तरीके से ये सब्सक्राइब हुआ, किसने कितना बिड लगाई इसमें, इन सब चीज़ों को देखते हैं इस छोटे से वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फिर आप नए व्यूअर हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। आईपीओ की अगर आप डिटेल देखें तो अप्रैल 5 को ओपन हुआ था, 9 को क्लोज होता। अप्रैल 5 को फ्राइडे था, 8 और 9 मंडे ट्यूसडे, आज ख़त्म हो चुका, आज 9 तारीख है। और अगर आप देखें यहाँ पे 27 शेयर्स का लॉट था और 533 से 538 का जो है प्राइस बैंड रखा गया था। अब जो डेट है, अब अलॉटमेंट अप्रैल 12 तारीख को फाइनल पता लग जाएगा और उसके बाद रिफंड आने स्टार्ट हो जाएंगे। जो अभी पैसा ब्लॉक है वो रिफंड आने स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल 15 से। और आईपीओ की लिस्टिंग डेट जो है वो अप्रैल 18 तारीख है, 9 दिन बाद लिस्टिंग हो जाएगा मार्केट में। अब हम देखते हैं कितना सब्सक्राइब हुआ हुआ, देखिए टोटल सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए इसका, ये देखिए कितना, ऑलमोस्ट 52 गुना, देखिए 52 टाइम्स, 51.9471, 52 टाइम्स। यहाँ पर अगर आप देखें QIB जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होता है, उनका 92 गुना उन्होंने यहाँ पे बिडिंग लगाई है देखिए। और NII 110 गुना, मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने खूब, रिटेल इन्वेस्टर मात्र 4.61% है, मतलब बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर ने ज़बरदस्त। और इम्प्लॉई जो रिजर्व कैटेगरी है 3.20%, ये देखिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पे डिटेल कि भैया ये जो डिटेल है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की, कितने लाख शेयर्स उनके लिए थे, मात्र उनके लाख 50 लाख शेयर्स थे, ये BSE की बात कर रहा हूँ अभी। लेकिन जो एप्लीकेशन आई है, जो बिडिंग कितने शेयर्स के लिए आई है, वो आई है 26,53,00,000। अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट, जो अभी का प्राइस है उसको अगर गुणा कर दे 53 टाइम सब्सक्रिप्शन, तो इसी का हुआ है। अब अगर देखिए FII, कितने FII, 8,68,00,000 FII ने, चलिए डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 9,91,00,000, म्यूचुअल फंड 1,55,00,000 म्यूचुअल फंड। चलिए भैया आप देखिए, अब NII की बात कर लेते हैं, NII कितना रिजर्वेशन था इनके लिए, 37,37,000। कितना सब्सक्रिप्शन हुआ, 22,00,00,000 भैया, 59 टाइम्स है, जो कि जिसमें कॉरपोरेट हैं 4,00,00,000, 15,00,00,000 इंडिविजुअल्स हैं RII और अदर्स 2,53,00,000। यहीं पे अगर हम रिटेल की बात करते हैं तो रिटेल के लिए रिजर्व्ड था 87, ठीक है, कितना था 87 लैक्स। और अब कितना हुआ उनका टोटल, देखिए टोटल ओवरऑल यहाँ पे देखिए 87 लैक्स में से 2,96,00,000 कट ऑफ प्राइस। अब कट ऑफ प्राइस जो मैं कह रहा हूँ वो है 538 का लेवल। कौन सा लेवल कट ऑफ प्राइस की यहाँ पर बात करें अगर हम, तो 538 रुपये में, तो 538 रुपये में कितने लोगों ने किया है, तो 2,61,00,000 लोगों ने भैया सब पार करके उन्होंने बोला सीधे 538 रुपये का चाहिए। प्राइस बिड जिसने लगाई है थोड़ा कम करके, वो मात्र 34,00,000 लोग हैं। अब इम्प्लॉई रिजर्व की बात करें तो इम्प्लॉई रिजर्व में 1,75,000 मात्र यूनिट्स थी, तो वहाँ पे 4,84,000 टोटल इम्प्लॉई रिजर्व देखिए। और यहाँ पे इम्प्लॉई का कट ऑफ कितना है, और कितना, मतलब अच्छी खासी रिजर्वेशन यहाँ पे भी आई है, बट कम है इम्प्लॉई में कैटेगरी में 2.76, रिटेल में भी 3.40। ये BSE का डाटा है। अगर मैं आपको NSE का डाटा पे ले जाऊँ तो NSE का देखा कैसा डाटा है, NSE के डेटा को अगर आप देखते हो तो QIB जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट, वहाँ पर 50,00,000 लोगों का के लिए एप्लीकेशन थी और 19,00,00,000 लोगों ने एप्लीकेशन भरी है, तो मतलब ऑलमोस्ट 40 गुना ये यहाँ पे है। यहाँ पे FII का ज़बरदस्त जोर है, डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जरूर, म्यूचुअल फंड के 2,00,00,000 लोग, 4,00,00,000 डोमेस्टिक, 5,00,00,000 FII, 4,00,00,000 नहीं ऑलमोस्ट 5,00,00,000 ये है, और अदर्स 6,78,00,000। तो ओवरऑल ज़बरदस्त यहाँ पे मैं कहूँगा बिडिंग हुई है। NII की बात करते हैं तो यहीं पे 37,00,000 कुल शेयर्स थे और टोटल एप्लीकेशन आई है 19,51,00,000 गुना। और यहाँ पे रिटेल की बात करें तो 47,00,000 शेयर्स थे, NSE पे 87,00,000 शेयर्स थे, तो टोटल
1 करोड़ की बिडिंग आई है। तो एनएससी पे कम रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पे बिडिंग लगाई है, बीएससी पे ज़्यादा लोगों ने लगाई है। इम्प्लॉय रिजर्व वापस देखिए, यहाँ पे एनएससी पे इम्प्लॉय रिजर्व काफ़ी कम है, मतलब कि यहाँ मिल सकता है लोगों को। चलिए ये तो ठीक है। अब ओवरऑल अगर आप देखें यहाँ पे टोटल 22 गुना जो सब्सक्रिप्शन 22 गुना बिडिंग हुई है, ये है एनएससी पे, और बीएससी पे 13, 29 टाइम्स। चलिए आपने एप्लीकेशन किया है तो मैं कहूँगा भगवान करे आपको मिले ये शेयर और आप भी इसका लिस्टिंग डेट में फ़ायदा उठाए। लेकिन ये शेयर अगर आप देखोगे तो लिस्टिंग से कहीं बेहतरीन है, लिस्टिंग गेन के लिए नहीं उससे आगे के लिए भी बेहतरीन कहूँगा मैं इस शेयर को, क्योंकि बढ़िया रिव्यूज़ हैं नो डाउट, और 14, 14.5 हज़ार का लॉट था बेहतरीन। अगर किसी ने 1 लॉट अप्लाई किया, 2 लॉट अप्लाई किया, जितने भी मिले उसको अलग अलग डीमैट अकाउंट से अप्लाई किया, तो उम्मीद करते हैं उनको आईपीओ मिले। और आपने कितने लॉट अप्लाई किए वो ज़रूर आप शेयर कर सकते हैं कि भैया मैंने तो 4 लॉट अप्लाई किए, फिर आपको मिला या नहीं मिला कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर शेयर कीजिए कितने लॉट अप्लाई किया और मिला या नहीं मिला। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।